हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HVAC टेक्निकल ज्ञान में। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे, ये पेट्रा का पैकेज है गाइस, और इसमें अलार्म आता है तो उसको रीसेट कैसे करेंगे उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और ये गाइस जो पैकेज है आप देख सकते हैं, ये इसका मॉडल नंबर है गाइस, PPH C 360 360। ये इसका मॉडल नंबर है गाइस। तो इसमें रीसेट इसको कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे अलार्म शो कर रहा है, यहाँ पे रेड जो लाइट है वो जल रहा है अलार्म की जगह पे। तो इसमें कोई कुछ फॉल्ट है तभी ये अलार्म आया है। तो इसको हम लोग रीसेट कैसे करेंगे, तो गाइस इसको हम लोग जो अलार्म बटन है इसको प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं सप्लाई एयर लो टेम्परेचर फ्रीज अलार्म इसमें शो कर रहा है गाइस। जो इसमें जो अलार्म है सप्लाई एयर लो टेम्परेचर फ्रीज अलार्म, तो इसका जो सप्लाई वाला सेंसर है जो कि इसका सप्लाई जो सेंसर हमारा लगा होता है डक्ट में, वो ब्लोअर के पास लगता है, वो क्या है वो फ्रीज में वो ज़्यादा मतलब टेम्परेचर वो डाउन जा रहा है उसमें सेंस कर रहा है, इसके लिए यहाँ पे फ्रीज शो कर रहा है। तो ये सप्लाई का जो सेंसर है उसका ये फ्रीज अलार्म शो कर रहा है इसके लिए। और इसको हम देखेंगे कि इसका जो सप्लाई से कहाँ से चेक करेंगे, तो उसके लिए हम लोग गाइस इसको फर्स्ट रीसेट कर देंगे। तो रीसेट करने के लिए आप हमने पहले बार इसको प्रेस किया था, नेक्स्ट फिर इसको प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें जो अलार्म था वो चला गया। इसको दो बार प्रेस करने के बाद ये रीसेट हो जाता है, आप देख सकते हैं नो अलार्म। तो इसको हम गाइस हम लोग ऐसा इसको रीसेट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये रिटर्न सप्लाई, जो सप्लाई का जो अलार्म आया था ये जो है सप्लाई टेम्परेचर है वो सेंस कर रहा था, और उसमें फ्रीज का अलार्म शो कर रहा था गाइस, सप्लाई एयर सेंसर जो कि ब्लोअर के पास रहता है। तो हम लोग उसको चेंज कर देंगे, या तो गाइस वो सेंसर चेंज करेंगे, और सेंसर चेंज करने के बाद हम लोग रीसेट करके चालू कर लेंगे, और ये फॉल्ट जो आ रहा है गाइस ये सही हो जाएगा। तो गाइस होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल HVAC टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।